मुझे बहुत ही बेहद खुशी होगी केलू बाबू को याद करने में, मुझे मन भराता है, अच्छा लगता है। और मुझे वो इतना प्यार करते थे, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मुझे देखते ही वो ऐसा लगता था उनकी बाहें ऐसे खुल जाती थी, मुझे कहने लगती कि मैं भी बेताब दोनों लगते थे। अच्छा, जब भी मैं उनसे कहूँ कि आज मैं राधा करूँगा आप कृष्णा करूँगा, तो नहीं, तुम कृष्णा नहीं करोगे मैं राधा करूँगा। क्योंकि राधा का जो देखिए मन में एक भाव होता है कि जैसे कि हमको आप बहुत कांडो वगैरह करने को कहेंगे तो हम कहेंगे हम नहीं करेंगे, राधा हमें पसंद है, छोटे कृष्णा और जो छोटे उम्र के कृष्णा हैं उनको पसंद करता हूँ, तो मेरे मन के भाव में वो ज़्यादा अच्छा होता रहेगा, तो मैं उनको लूँगा। केलू बाबू के मन में जो लाची का एक रूप बैठा हुआ था मन में वुमेन, और क्या मतलब ऊपर से नीचे तक कैसे सृष्टि है, कैसे उसके अंदर क्या पहनती है, कैसे चोटी करती है, कैसे पूरा पूर्ण श्रृंगार केलू बाबू को, अगर उनके सर में बाल भी नहीं कुछ नहीं, लेकिन इतने खूबसूरत ढंग से चोटी बूनते थे कि लगता था उनके लंबे लंबे बाल हैं, और बहुत ही सुंदर यानी कि हर भाव में केलू बाबू आए हैं, मैं क्या बताऊँ कमाल आदमी। तो हम दोनों का अच्छा, उनको जो मैं कुछ लिखता भी था तो केलू बाबू को बहुत पसंद था कि क्या इस वाले पे इस लाइन पे मैं करूँगा। अरे आप सोचिए, राधा भाव और कृष्ण भाव दोनों पुरुष हैं, और इस अंदाज से वो हमारी जो बनते थे थोड़ा सा कुछ लेके ऐसे कर जैसे क्यों बढ़े, और मैं ऐसे ऐसे गले लगा के जो गला लगा तो मुझे लगता था, सबको लगता था वाकई में राधा कृष्ण खड़े हैं, इतनी अच्छी फीलिंग हम दोनों की। और वो उड़ीसी ढंग से भाव कर रहे हैं, मैं कथक के ढंग से भाव कर रहा हूँ, ये जो समन्वय है गंगा जमुना ये संगम जिसको कहते हैं, ये संगम केलू बाबू के साथ इतने सुंदर ढंग से हुआ है कि लोग आज भी याद कर रहे हैं, और आज भी मैं भी नहीं भूल पाता हूँ उसको। और कई प्रोग्राम ऐसे हुए कि हमारे हमारा लिखा हुआ कुछ स्रोत के ऊपर था, शक्ति और स्रोत के ऊपर, कहेंगे ये वाली लाइन मैं करूँगा, मैंने कहा आपके लिए दूसरी मैं करूँगा, तो आपस में इतना प्रेम भाव बढ़ा हुआ था कि मतलब वो हर मिनट हर सेकंड चाहते थे कि हम कोई भी भाव करें और वो उसके उसमें कोई भी चीज़ मतलब ऐसे करते थे कि तो वाकई में कृष्णा ने कहा मैं ये करके ये देखो, तो बहुत ही इतने सुंदर ढंग से हम दोनों मिलते हैं, राधा कृष्ण ही मतलब इस तरह भाव। अच्छा, फिर सारे वो सुपारी और क्या हो क्या बोलते थे उसको गुंडी गुंडी कहते थे, अब उनके बटुए से निकाला तो हमको भी भाई हम भी खाएंगे थोड़ा सा, तो हमको भी दे दें हम थोड़ा हमको रखते थे। अब कोई भी कंपोजिशन हो, आप जैसे कह रहे महाराज जी वो लंबी कंपोजिशन है, आप जैसा कह रहे बड़ा मजा आ रहा, हम वैसे ही कह रहे हैं, पर हम उनको बड़ा प्यार करते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे, वो हमको उतना ही प्यार नहीं करें, तो हम दोनों मिलकर अगर ऐसा लगता था कि हम दोनों की बात है कि लक्ष्य एक ही है, तो उड़ीसी के रास्ते से आए हम अपने ढंग से आए, पर रास्ता एक ही चलना है दोनों का। ये जो भाव है ना कि तुम अल्लाह कहो खुदा कहो यीशु मसीह कहो कुछ भी कहो ग्रंथ साफ करो पहुँच से, जो हमारे साईं बाबा ने कहा ना कि सबका मालिक एक, वही जब ऐसे वाला मामला हो जाता है दो आर्टिस्ट का, तब होता है कि क्या एकदम लिपटे हुए बेल की तरह पेड़ के अंदर हम दोनों लिपटे हुए हैं, पेड़ कौन है मालिक है और हम दोनों लिपटे हुए हैं, तो जब सब स्टाइल जो है ना वो इस तरह लिपट जाते हैं ना उस पेड़ में, तब तो कहते हैं वाह आनंद ही आनंद। तो ये हमारा कहना है कि ये चीज़ समझदारी आपस में खूब होना चाहिए, तभी कला अपने अपने ढंग से कलर देगी, खाली हम सोचेंगे कि हाँ नहीं बस हमारा ही सब कुछ है तो ये गलत है, पता नहीं अनजाने में कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कथा के उसमें चले गए हमारे में उसमें क्या आ गया, कुछ कथा के लिखा स्टेप कुछ हमारे में घुस गया है अनजाने में, मतलब ये कला जो होती ना ये कभी बंदी नहीं रहती, हवा है, हवा तो भाई जो भी चलेगी तो लगेगी चाहे किसी को भी लगेगी। मैंने कथा के लिए जब देखा
अभी आजकल पूरी दुनिया कथक में धिन का प्रयोग कर रही आधे पैर का आप देखोगे तक धिन ये पहले धिन का सवाल ही नहीं था, ता था। हमने जब कथा में देखा तो उसमें दोनों साइड फीट करके और धिन धिन ऐसी आवाज आ गई, देखो की आवाज ऐसी आती है जंग तो बड़ी अच्छी आवाज। तो मैंने थोड़े दिन के बाद कथक में मैं लिखता मैंने ऐसे पैर रखे उतना आड़ा नहीं लेकिन कुछ आड़ा करके हल्का था। जब मैंने स्टेज पर प्रयोग किया तो उड़न में से आवाज आई ढंग, मैंने कहा ये तो अच्छी बात हो गई। जैसी मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं, कथकली भी तो हमारा भारत है और क्लासिकल है, कोई ऐसा वाला कंटेम्प्रेरी फ्यूजन व्यूजन तो है नहीं। तो मैंने कहा बस अब ये धिन जो है कथक में आ चुका है। अभी दुनिया जो है जैसे ही धिन का आता है फौरन सबका पैर अपने आप को जाता है और सब लोग कहने लगते ये मेरे बाप ने पैदा किया तो उसके बाप ने कुछ किसी बाप ने पैदा किया, अपने आप नेचर से पैदा हुआ दूसरी चीज से यहाँ आया। अभी तकड़े तकड़े धिन खूब जोर से चलता है और मुझे खुशी होगी कोई नई चीज़ अच्छी खूबसूरत ढंग से इसमें से यहाँ आ गई। पहले आप हमारे उड़ीसी में गति जो थी इतनी तेज नहीं थी, पर जैसे जैसे धीरे धीरे कथक का प्रभाव हुआ सब में गतियों का प्रयोग होने लगा, स्पीड पकड़ने लगे था लोग, पहले नहीं था। फिर उसमें भी हमारे जितने भी जब क्लाइमेक्स आता था तो कथक आ जाता था, चाहे कोई भी गाना हो स्लो करते 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 एकदम क्लाइमेक्स आया धाम से भर फास्ट मूवमेंट आने लगे, तवतार आ गया, राउंड आ गया एकदम से। तो कहने का मतलब कि लेन देन खूबसूरत ढंग से बड़ी खूबसूरत लेन देन लेकिन अनजाने में हवा के जरिए पहुंच जाना। अब आप देखिए पंडित जी हमारे रविशंकर भैया हमको तो बहुत बचपन से सितार की कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में सुनते ही अंदर घुसी, दिल में उतरी, दिमाग में घुसी और वो सितार की तिहाई मेरे दिमाग में। हमारे नाच की तिहाइयाँ कई एक ऐसी हो गई जो तिहाइयों में चली गई हैं, सितार में भी चली गई, तबले में भी चली गई। ये जो आदान प्रदान है ना वो अपने आप होता है, कोई कहता है हम सीखेंगे अपने आप इफेक्ट करता है। कई तिहाइयाँ अभी मैं पढ़ता हूँ तो आपको कर्नाटक किस तिहाइयों के साथ जैसे सुनाई पड़ेगा, यहाँ के मृदंगम की तिहाइयों का सुनाई पड़ने लगेगा। नया रंग बन जाता है, कहते नया रंग है पर है तो अपना ही यहीं का आपस का ही है। पर ट्रेडिशन होना बहुत जरूरी, ट्रेडिशन होते हुए उसके अंदर जब क्रिएट होता है कोई चीज़ बड़ी खुशी होती है। तब जात ना बदल जाए यह हमें कभी नहीं पता, जात नहीं पेड़ तो आम मिली दो यार मिली मिली दो कभी ऐसा नहीं करो कि आम में इमली पैदा हो जाए। तो इस तरह मेरा भाव तो केलू बाबू के साथ हम बोल रहे थे कि ऐसा समन्वय हमारे दोनों का हुआ है आज से उतना सुंदर म्यूचुअल एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच अदर, आपस में आदर भी रिस्पेक्ट भी और प्यार भी, ये कमाल सच्ची में। मुझे लगता था यू बोथ आर कृष्णा राधा। आई हैव सो मेनी पिक्चर्स, द लास्ट परफॉर्मेंस वाज व्हेन वी हैड अरेंज समथिंग इन कमाली, आफ्टर दैट यू पास्ड अवे। यू हैव टू सी हाउ मच दे आर इन्वॉल्व कृष्णा राधा करके ऑडियंस बैठी हुई है, वो लोग अपनी दुनिया में then they realize that the program is over. I have those pictures. It is like dono ek dusre mein khoye hue apni bhavna mein. Kya program hua, karode the sab mein. Pandit Ravi Shankar ji was in the तो यही कहना था कि बहुत जो सादा इंसान होगा प्रवृत्ति से सादा होगा एकदम सफ़ेद कागज की तरह सफ़ेद, उस पर जो कलर आता है वो दिखाई पड़ने लगता है। आप खुद इतने गाढ़े कलर के हैं तो कौन सा रंग है, अच्छे मन सादा मन से मतलब अच्छे मन के आप यानी व्यवहारिक आप इतने सिंपल हो, सब कोई घमंड नहीं है किसी से कुछ नहीं। मुझे अभी पद्म विभूषण कालिदास समन पता नहीं क्या क्या मिल गया, मैं तो अपने गुरु के चरणों पे जाके रख देता हूँ कि प्रभु ये बस ये जो मिला ये आपका है, मेरा थोड़ी है, मैं ये लाके मैं पुजारी हूँ आपका और ये मैंने आके
चरणों पे रख दिया, अब मैं फ्री, अब अगला मिलेगा बिल्ला के रख दूंगा। तो मेरा ऐसा वाला है, तो कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है भाई, अगर पद्म विभूषण नहीं मिलता तो भी मेरी तिहाई तो बनती, पद्म विभूषण जब भी तिहाई बन रही तो मुझे क्या फर्क पड़ा है। मुझे दो ना दो, हम तो अपने लगन में हैं। केलू बाबू का भी यही घंटा, बिल्कुल कहीं तक कहीं तक आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये इतने यार ग्रेट आदमी है, सिंपल पर्सन बट बहुत ग्रेट, बहुत ही। तो मैं आज सच मतलब हमारे दोनों का बहुत खूबसूरत रहा है, और आज भी मैं उनको कभी भूल नहीं पा, मतलब ऐसे इंसान भी कभी भुला नहीं जाते, पर फरीद रविशन भी नहीं, कभी नहीं भूल भीम सिंह जो ओह क्या कह लो, बीमार पड़े सर, इतना बड़ा ऑपरेशन, लेटे उनके घर गया लेटे, अरे हार लाओ हार, मैंने भैया किसके लिए हार मंगाया, तू मेरे घर आया लेटे लेटे मुझे हार पहना रहे, सोचिए जरा क्या प्यार है, एक कला का प्यार है, कला के लिए प्यार है, व्यक्ति तो भाई बगैर व्यक्ति के बगैर मंदिर के तो भगवान भी नहीं रहते ना, तो हमारे शरीर को उन्होंने मंदिर बना दिया और जगह बना दी, हम तुम्हारे अंदर बैठेंगे थोड़ी, हाँ बैठ नहीं जाएगा, मगर मंदिर के भगवान भी नहीं बैठ सकता, तो उसने खुद के बनाए हुए मंदिर है उसी में हम सब बैठते बैठे हुए हैं, वो उसी से हम हैं, और हमारे शरीर को वो पसंद करते हैं, हमारे हर मुद्रा को हर भाव को पसंद करते हैं, हम लड़की हैं बहुत बहुत ज़्यादा, तकदीर हमारी अच्छी है, नाचते हैं तो काफ़ी लोग नाचते ही हैं, अच्छा ही नाचते हैं, बुरा थोड़ी नाचते हैं, पर उनकी कृपा जब नाचती है अंदर पूरे शरीर में तब बात बनती है, तो बस उनकी कृपा नाच बन के घुस जाए भगवान की बात एक